हेलो जी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बट हमारी जो सासू माँ यानी कि मेरी मम्मी जी, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और इनका हुआ है ऑपरेशन पैर का। तो मतलब काफ़ी दिन से ट्रीटमेंट चल रहा था, बीच बीच में मैंने वीडियो में आपको बताया भी था कि हस्बैंड जी लेकर गए हैं पापा जी और मम्मी जी को हॉस्पिटल दिखाने के लिए, और एक बार मैं भी गई थी। आपने शायद पिछले वीडियो देखे होंगे तो याद होगा, मतलब 2 हफ्ते हो गए हॉस्पिटल के चक्कर काट ही रहे थे, कभी कुछ जांच कभी कुछ जांच। तो फाइनली फिर शनिवार के दिन इनका ऑपरेशन हो चुका था, और नाइट को ही मतलब दिन में ही शनिवार को ही आ गए थे घर, और अभी मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है संडे के दिन। तो यहाँ पर इनकी पट्टी है ना जो बंधी, टाँके लगे हैं समथिंग 6 से 7, तो वो पट्टी थोड़ी सी लूज़ कर रहे हैं हस्बैंड जी। और यहाँ पर छोटी आई भी सरी और चल दी, इसके एक थोड़ा सा काम था तो वो हो गया, तो ये जा रही है वापस से, क्योंकि गांव में खेतों में काम होता है आप समझ सकते हो। और एक चीज़ ये भी है कि साथ ही साथ हमारे चेरी को भी ले जा रही है। इसका रीज़न तो मैं अब आपको क्या ही बताऊं, पर आप ये समझ लो कि अभी कुछ दिन के लिए आपको चेरी वीडियो में नहीं दिखेगा। ऐसा कोई प्लान नहीं था, पर ऐसे ही बस मम्मी जी ऑपरेशन हुआ है तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा मम्मी जी का, और ये बेड पर सोते हैं मम्मी जी तो पैर वेर दुखा देता है। और मम्मी जी देखिए कितने इमोशनल हो गए, चेरी जा रहा था, मैं भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी क्योंकि 2 सालों में कभी भी इसको दूर नहीं रखा है, तो इसकी आदत इतनी भयंकर वाली हो गई कि रात को भी अगर हम बाथरूम के लिए भी उठ जाते हैं ना तो ये भी हमारे साथ उठ के आ जाता है। तो दिन में ना रात में मतलब 2 मिनट के लिए भी मुझे नहीं छोड़ता है ये, तो इसकी आदत इतनी बुरी वाली हो गई। तो इसी वजह से मम्मी ने बोला, यानी कि मेरी मम्मी ने बोला कि थोड़े दिन तू यहाँ भेज दे तो शायद थोड़ा बहुत सुधर जाएगा। और अभी तो जाने के लिए ये बहुत उतावला हो रहा है, क्योंकि हम कल से इसको बोल रहे हैं कि मामा के वहाँ जाना है, मामा के वहाँ जाना है, तो ये कल से ही खुश हो रहा था। सो अभी सुबह सुबह इनकी बस है तो बस निकल रहा है चेरी इसकी मौसी के साथ में, और देखिए कितना खुश है अभी जाने के लिए। इसको अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन पता नहीं वहाँ गांव जाके रहेगा या नहीं रहेगा, मुझे नहीं पता। अगर नहीं रहेगा तो लाना पड़ेगा, और रह जाएगा तो होली तक तो फिर हमारा जाना हो गई, तो फिर देखते हैं कैसे क्या करते हैं। एक और इधर भी फुका पाता से उधर करो, तेरे को जाई उधर को बच्चे में चू, और कर इधर भी एक और, इधर बाय कर ले। हेलो बाय बाय, अब मैं नहीं आऊंगा वीडियो में, बोल दे मैं नहीं आऊंगा वीडियो में, मैं जा रहा हूँ मेरे मामा के वहाँ, मामा के वहाँ जा रहा हूँ। नहीं सो गाइस, यहाँ पर जा रहे हैं हस्बैंड जी लेकर बस स्टॉप, वहीं से बस में बैठकर जाएंगे गांव। और ये देरी छोटी हमारी और हमारा छोटा सा बाबू, आप सोच रहे होंगे इतने छोटे से बच्चे को कैसे छोड़ दिया, पर मैं आपको एक बात बताऊँ ना, बच्चे अगर माँ के पास रहते हैं ना तो बहुत बिगड़ेल होते हैं। और हमारा किट्टू है ना, जब 2-3 महीने का था तब से मैं इसको छोड़ के कहीं मतलब कहीं भी कुछ भी काम होता ना तो चले जाती, तो आज मतलब किट्टू रह जाता है मेरे बगैर, अगर मुझे कहीं भी जाना हो ना तो बिल्कुल भी ज़िद नहीं करता है, पर चेरी बहुत ज़िद करता है। इस वजह से मुझे थोड़ा सा इसको दूर रखना भी ज़रूरी है थोड़े दिन के लिए, इसी वजह से भेजा है। अब मुझे नहीं पता है कि मैंने सही किया या गलत किया, बट कोई नहीं, अगर ऐसा कुछ होगा नहीं रहेगा तो फिर जाके लाना ही पड़ेगा, पर अभी के लिए तो भेज दिया। और तुरंत मैं आ गई हूँ अपने किचन में, क्योंकि सुबह सुबह जब चाय पानी पी थी तो किचन ऐसा ही बिखरा पड़ा था, तो बस ये समेट लेती हूँ, उसके बाद ही मैं झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि कोई भी जाता है तो उसके तुरंत बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, तो पहले किचन समेट लेती हूँ उसके बाद झाड़ू लगाऊंगी। तो गाइस आज है संडे, तो संडे को मेरा रहता है फास्ट, तो यहाँ पर मैंने निकाल लिए आलू और साबूदाने मैंने गला दिए हैं, खाना भी बनाना रहेगा और साबूदाने की खिचड़ी भी बनाऊंगी। तो उससे पहले यहाँ पर मैं झाड़ू निकाल देती हूँ। सुबह सुबह ऐसा था ना कि वो जा रही थी तो उसकी पैकिंग करनी थी, फिर मम्मी जी का भी देखना पड़ता है, तो थोड़ा बहुत लेट चल ही रहा है और मेहमान भी आना जाना, तो ये वीडियो तो मुझे लगता है कि शायद कैसे कैसे मैं आपके पास पहुँचा दूँगी, पर इसके बाद के वाले वीडियो तो शायद ही मेरे आप आएंगे, क्योंकि बस ऐसे ही शूट करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है और ना ही एडिट करने का टाइम।
और आप समझ सकते हो क्योंकि आप खुद इतने समझदार हो। और चेरी का तो मुझे बहुत मतलब मुझे क्या सबको ही बुरा लग रहा है, मम्मी को, मम्मी जी को, इसके पापा को, मुझे बहुत ये हो रहा है क्योंकि उसको कभी छोड़ा नहीं है। पर एक माँ अपने बच्चे को कभी नहीं छोड़ सकती है, लेकिन वही है कि थोड़ा बहुत दूर रहेगा ना तो सही रहेगा आगे के लिए। कभी भी अगर कहीं भी जाना हो अर्जेंटली, कहीं पर भी हमें कुछ भी काम हो सकता है और हर जगह हम बच्चे को नहीं ले जा सकते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊँ, जब मेरी किट्टू था ना तो मतलब 7 से 8 महीने का था और मेरी मम्मी का बड़ा ऑपरेशन हुआ था, तो मैं समथिंग 15 दिन तक उदयपुर रही थी, तो उस बीच में तो मैं उसको नहीं ले जा सकती थी किट्टू को, पर फिर भी वो रह गया था। तो इसी वजह से बच्चे को ना थोड़ा सा दूर रखना चाहिए ताकि हमें कभी भी कहीं पर भी जाना हो ऐसे बाय चांस तो बच्चे रह जाए दूसरे के पास। और सविता रख लेगी, मेरी बहन है छुट्टी वाली, वो रख लेगी क्योंकि वो रखती आई है आगे से हमेशा से, तो वो रह भी जाते हैं। और यहाँ पर नीचे वाला झाड़ू मैंने निपटा दिया है, उसके बाद मैं आ गई हूँ ऊपर वाला रूम का। और अभी काम बहुत ज़्यादा फैला पड़ा है तो बस ऐसे ही धीरे धीरे काम कर रही हूँ। और हमारे इधर इतनी भयंकर वाली गर्मी हो गई है कि ऊपर तो है ना सुबह सुबह झाड़ू लगा दो तो ठीक है, उसके बाद तो दिन में यहाँ आकर बैठना भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऊपर वाला जो रूम है उसके ऊपर चादर है जो लोहे की चादर होती है, तो वो गर्मी के कारण इतना गर्म हो जाते हैं और इतनी गर्म गर्म भाप सी होती है ऊपर वाले रूम में, तो इसी वजह से बहुत कम आना होता है, बस झाड़ू पोछा के लिए आना होता है और कपड़े सुखाने के लिए। बाकी गर्मी में तो आप नीचे ही रहना, मतलब मैं हमारे लिए तो नीचे ही रहना ठीक है क्योंकि नीचे ठंडा रहता है। और आपके यहाँ पर भी मुझे लगता है कि गर्मी तो ज़ोरों शोरों से मतलब आ ही गई होगी। और मौसम भी फिर वही है कि फागुन का है तो बहुत तेज तेज हवा भी है, आंधी तूफान धूल मिट्टी बस वही है। और यहाँ पर ये कपड़े मैं रात को डालती हूँ सुखाने के लिए, रात को नहीं मतलब शाम के टाइम डालती हूँ तो थोड़े बहुत उस टाइम सूख जाते हैं, फिर सुबह थोड़ी सी इनको हल्की सी धूप लगा देती हूँ, रात को तो अंदर ले लेती हूँ लेकिन सुबह थोड़ी सी हल्की सी धूप लगा देती हूँ। पूरे दिन कपड़े सूखना भी, अभी अगर छत पर दिन में डाल दो ना तो इनका सारा कलर निकल जाएगा कपड़ों का। सो हो सके जितना आप बस शाम सुबह कपड़े सुखा दो, दिन में तो बहुत तेज़ वाली धूप लगती है तो इसी वजह से। और यहाँ पर 2-3 दिन से ध्यान भी नहीं दे पा रही हूँ तो दुकान के जितने भी सामान के कार्टून खुलते हैं बस वही यहाँ ला कर पटक देते हैं, तो इनको अच्छे से सेट कर कर रख देती हूँ अपनी जगह जहाँ इनकी जगह है, छत पर तो इनकी जगह नहीं है। आप सोच रहे होंगे मम्मी का ऑपरेशन क्या हुआ कैसे हुआ, सो गाइस है ना कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी, बस एक पैर पर एक छोटी सी एक बारीक मूंग की जो दाल रही थी ना उसके हिसाब से एक गठान हुई थी, तो वो धीरे धीरे कर कर इतनी बड़ी हो गई थी नींबू के जितनी बड़ी हो गई थी, तो उसको है ना मतलब काफ़ी दिन तक तो जाँचे वाँचे करी डॉक्टर ने, फिर फाइनली शनिवार के दिन उनका ऑपरेशन हुआ और वो पूरी गठान है ना मतलब निकाली है और टाँके भी आए हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब दर्द में है, मतलब उनसे चला भी नहीं पा रहा है, खड़ा भी नहीं हो पा रहा है अभी, तो बहुत ज़्यादा उनको अभी दिक्कत है, तो इसी का ऑपरेशन हुआ है इसीलिए मैंने आपको बता दिया। और यही मेरा रीज़न है अभी वीडियो कंटिन्यू नहीं आने का, कहीं पर भी बाहर जाना भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है अभी तो। तो ये देखिए यहाँ पर कार्टून में कुछ इस तरीके से जमाती हूँ ताकि हमारे छत पर थोड़ा बहुत स्पेस रह जाए बच्चे खेलने के लिए, लेकिन अभी तो बच्चा ही नहीं है, एक बच्चा तो एक के खेलने के लिए रह जाए। और छत भी थोड़ा है ना अच्छा लगता है खाली खाली, कभी शाम के टाइम भी आकर बैठो तो। और उसके बाद में फरियाल बनाने के लिए यहाँ पर मैं छील लेती हूँ मूँगफली के दाने, जो कि हमारे खेतों में ही होती है, तो मूँगफली के दाने नहीं लाते हैं हम, जो मूँगफली है उसी से जब भी दाने होते निकाल लेते हैं ज़रूरत लगती है तब। और इन सब के बीच में फिर से कोई आ गया था मेहमान, तो उनके लिए मैं बना देती हूँ चाय। और सब्जी लेने के लिए मैंने भेजा था हस्बैंड जी को मार्केट, लेकिन सुबह सुबह है ना इतनी सब्ज़ी मिलती नहीं है हमारे यहाँ तो वो नहीं ला पाए, सब्जियाँ थी नहीं, दिन में मुझे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने ककड़ी कट कर ली है, ककड़ी की ही बना दूँगी और चाय दे देती हूँ पहले। और ये देखिए हमारा खाना हो गया है रेडी, तो
थोड़ी सी मूंग की दाल भी बना दी थी, क्योंकि ना ऐसे मतलब शरीर पर कुछ घाव वगैरह हो ना तो हरी सब्जी या फिर मूंग की दाल अच्छी रहती है। तो ये देखिए यहाँ मम्मी जी के लिए खाना लगा दिया है और वो बात कर रही है मेरी ननन जी से वीडियो कॉलिंग पर, तो उनको शायद दिखाई नहीं दे रहा है और वही उनको थोड़ा ध्यान भी कम पड़ता है। और यहाँ पर ये आ गया है हमारा फरियाल, मतलब बना दिया है हमने, तो चलिए फरियाल खा लेते हैं, खाना खा लेते हैं। और ये देखिए टाइम हो गया है 11:20, और आज किट्टो को स्कूल जाना नहीं, इसके एग्ज़ाम चालू हो गए, तो आज संडे है तो इससे भी आज तो छुट्टी है। और आटा हमारा ख़त्म हो चुका था खाना पीना खाने के बाद में, फिर मैंने सोचा कि चलो अब गेहूं साफ कर लेती हूं। और ये वाले हैं ना गेहूं गैस, ये हमने ख़रीदे हैं पड़ोस से, तो इतने मतलब कंकल थे इसमें कि मेरे से ना पूरे साफ ही नहीं हो पाए, पूरे तो क्या मतलब आधे भी नहीं हो पाए, तो बड़ी मुश्किल से मैंने इनको आधा साफ किया था। गेहूं साफ कर ही रही थी कि फिर आ गए थे पापा जी, और पापा जी की जो एक सिस्टर है मैं आपको दिखाती हूँ, तो उनके लिए मैं यहाँ पर कॉफ़ी बना रही हूँ। मैं यहाँ पर बोल रही थी लेकिन बहुत धीरे बोल रही थी, तो मैंने सोचा चलो अलग से बोल देती हूँ। और ये देखिए बुआ जी और पापा जी, ये हमारे सगे बुआ जी नहीं है, मतलब पापा जी की जो रक्षाबंधन वाली बहन है, तो इनको मम्मी जी से मिलना था तो ये यहीं आ गए डायरेक्ट। और बस यहाँ पर उनके लिए मैं कॉफ़ी बना देती हूँ, चाय वगैरह नहीं पीते ना पापा जी पीते ना वो बुआ जी पीते हैं, तो बस थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर पड़ा था ख़त्म भी हो गया है, तो चलिए दे देती हूँ कॉफ़ी इनको। इस काम वाम कर कर अब आई हूँ ऊपर, कपड़े मैंने धोए हैं हाथ से उनको डालने के लिए, और कुछ मशीन चला दी है, और टाइम हो गया है 2:10। बहुत भयंकर वाली गर्मी हो रही है, बहुत भयंकर। अभी मेहमान यहीं पर है, मेरे ससुर जी की सिस्टर है, तो मतलब इतनी दूर से यहाँ मम्मी जी से मिलने आई है, मतलब कितना प्यार है कितना लगाव है इंसानों में, आजकल ऐसा लगाव तो ख़त्म ही हो गया है। खैर वो नीचे आराम कर रहे हैं दोनों, मम्मी जी और वो बुआ जी। मैं आ गई हूँ ऊपर, अपना काम कर लेती हूँ, फिर मैं चलती हूँ नीचे। वीडियो ऐसे ही आपको थोड़े थोड़े ही दिखेंगे कि थोड़ा थोड़ा टाइम मिल रहा है, तो जैसे जैसे ही शूट कर रही हूँ तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना। और इतनी भयंकर वाली धूप आ रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस यहाँ पर दिन में मैं डाल रही हूँ कपड़े, ये मैंने हाथ से धोए हैं, बाकी अगर मशीन से होते तो मैं नहीं डालती इनको, क्योंकि मशीन वाले कपड़े थोड़ी देर में सूख जाते हैं। और इनको है ना डालने से पहले जो नए नए कपड़े ना उनको मैं उल्टे करके डालती हूँ ताकि इनका कलर ना निकले, क्योंकि बहुत भयंकर वाली गर्मी है तो कलर निकल जाता है, क्योंकि इतनी तेज़ धूप कपड़े नहीं सहन कर पाते हैं। और जो मेरी बुआ जी आई है, मतलब मेरे पापा जी की सिस्टर राखी बांध रखी है, वो इतना दूर से आई है, मतलब मेरे यहाँ से मेरा ससुराल समथिंग 40 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो उन्होंने जैसे ही सुना होगा कि मम्मी जी का ऑपरेशन हुआ है तो वो यहाँ आ गए पापा जी के साथ। पापा जी तो मतलब यहाँ भी आने ही वाले थे लेकिन उनके साथ आ गए, फिर काफ़ी देर तक वो रुके थे, बातें बातें करी, खाना वाना खिलाया था, फिर उसके बाद में देखिए 3 बजे समथिंग ये निकल गए हैं जाने वाले मतलब अपने घर की ओर। और यहाँ पर मैं किट्टू को सुला रही हूँ बहुत मुश्किल से, क्योंकि अकेला रह गया है तो इसको चेरी की याद आ रही है। और फिर उसके बाद में मैं गई थी मार्केट, तो यहाँ देखिए पूरा सब्जी बाजार ही खरीद के लेकर आ गई हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है, उनको भी बोला है हरी पीली सब्जी खाने के, और मुझे भी क्योंकि मुझे भी थोड़ी वीकनेस है तो ज़्यादातर हरी सब्जियाँ ही खानी है आयरन की कमी की वजह से, और मम्मी जी को भी, तो अभी घर में ना सब मरीज ही मरीज हो रहे हैं, सो इन्हीं वजह से पालक मेथी मूली जो भी हरा हरा है ना सब लेकर आ गई हूँ, और साथ में कुछ फल फ्रूट, हालांकि जो चाहिए था वो तो नहीं मिला है पर जो मिल गया वो ठीक है। देखिए केला फर्स्ट सीजन का इस बार लेके आई हूँ, और ये है क्या बोलते हैं खड़बूजा बोलते हैं पता नहीं, ये भी पहली बार ही लेकर आई हूँ, मतलब अब आने लग गए हैं। और ये है सब्जियाँ मेथी पालक प्याज वगैरह ककड़ी वगैरह धनिया करेला सब हरा हरा ही लेकर आई हूँ, तो चलिए खिला देती हूँ मम्मी जी को थोड़ा सा फल फ्रूट वगैरह और हम भी खा लेते हैं, और उसके बाद में थोड़ा बहुत आराम कर लेंगे क्योंकि पूरा दिन हो गया काम करते करते। और ये मम्मी जी के ना पैर में सूजन सी आ गई है, क्योंकि जो पट्टा बंधा है ना बहुत टाइट है, तो बस वही चेक कर रहे हैं। और बस इस वीडियो को यहीं कर देते हैं एंड। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, पहली बार कोई चैनल पर आया है हमारे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना यहाँ से। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। मम्मी जी यही बोल रहे हैं कैसे मतलब लबक झकबक करके दुख रहा है, और दुखता भी यार उनकी बहुत बड़ा मतलब अंदर से घाव हुआ होगा, बहुत ज़्यादा सहन करने वाला ही कर सकता है।
तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना अपना, राधे राधे।